नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा एक बार फिर से आप सभी के साथ में जुड़ा हूँ प्लस टू की फिजिक्स को लेकर के। अपने लास्ट वीडियो के अंदर विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे थे और अपने एक टॉपिक कर रहे थे, उस टॉपिक का नाम था विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अपने इसको आधा सोल्व कर लिया था, आपको फिर से बता देता हूँ मैं, पर लास्ट वीडियो आप लोग ज़रूर देख लेना, ये थोड़ा जल्दी करवा रहा हूँ। अपने इसके लास्ट डेरिवेशन तक लगभग पहुँच चुके थे, तो देखिए इसके अंदर अपने क्या पढ़ रहे थे। इसके अंदर अपने एक डायग्राम बना लिया था, इस प्रकार से एक डायग्राम बना लिया था, ये माइनस क्यू था और ये अपने पास में प्लस क्यू था। ठीक है, और ये इसका केंद्र ओ था और ये मैंने आपको बताया था कि दोनों द्विध्रुवों के मध्य जो दूरी है वो अपने क्या ले रहे हैं, स्मॉल डी ले रहे हैं। ठीक है, और ये ए और बी, ये दो पॉइंट है जहाँ अपने द्विध्रुव के माइनस क्यू और प्लस क्यू जो है आवेश रखे हुए हैं, और इससे इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर कोई पॉइंट पी है जिस पर आपको क्या करना था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना था। ठीक है, तो इसके अंदर प्लस क्यू आवेश की वजह से जो अपने दिशा देखी थी वो किस ओर आ रही थी, वो आ रही थी बाहर की ओर। ठीक है, क्यों आ रही थी, क्योंकि दिशा आपको पता है कि जो धनावेश होता है उससे हमेशा बाहर की ओर होती है, और धनावेश से बाहर की ओर किस ओर होती है, धनावेश से हमेशा जिस ओर अपना परीक्षण आवेश रखा होता है या जिस पॉइंट पर आपको तीव्रता ज्ञात करनी होती है उस ओर होती है, और ऋणावेश की वजह से दिशा हमेशा ऋणावेश के अंदर की ओर होती है। अंदर से कहाँ से शुरू करेंगे, जहाँ अपना परीक्षण आवेश रखा है वहाँ से किस ओर होगी, अंदर की ओर होगी। तो ये जो अपने ई वैक्टर प्लस क्यू है इसकी दिशा इस ओर है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में माइनस क्यू जो है इसकी दिशा है। ठीक है, यहाँ से अपने टॉपिक को दो प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। एक तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसका अदिश रूप लेकर के इसे सोल्व कर सकते हो और लास्ट में जाकर के आप लोग इसकी दिशा बता सकते हो, यानी अदिश रूप को किस में बदल सकते हो, सदिश रूप में बदल सकते हो। दूसरा, आप लोग इसे सदिश रूप में सोल्व कर सकते हो और लास्ट में जाकर के आप इसका परिमाण के रूप में भी इसे बता सकते हो। अपने सदिश रूप वाला मैं आपको बता रहा हूँ कि सदिश रूप में अगर अपने इसे हल करना हो तो इसे कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, देखो ये टॉपिक मैं लगभग फिर से करवा रहा हूँ आपको, तो क्यों करवा रहा हूँ इसकी वजह आपको पता होना चाहिए। एग्जाम के अंदर हो सकता है फर्स्ट चैप्टर से आपके बड़ा क्वेश्चन ही पूछ लिया जाए। मैंने आपको बताया था कि शुरुआत के चार चैप्टर में 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर यहाँ से बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है तो कम से कम 3 या 4 अंक का एक बड़ा प्रश्न पूछा जाएगा, या तो 3 का होगा वो प्रश्न या फिर कितने नंबर का होगा, 4 का होगा। ठीक है, और ये प्रश्न जब भी पूछा जाता है तो आपको हमेशा याद रखना है कि या तो ये ऐसे पूछा जाता है या फिर ये, अगर ये 4 का आता है तो इस प्रकार से भी ये पूछ सकता है या फिर ये इसे इस प्रकार से भी पूछ सकता है। ठीक है, या तो ऐसे पूछेगा या फिर इस प्रकार से इसे पूछा जाएगा। अगर इस प्रकार से पूछता है तो इसके साथ में कोई एक परिभाषा दी जाती है, जैसे आपको बोल दिया जाएगा कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है और अक्ष पर स्थित बिंदु पर तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए, तो इस प्रकार से पूछ लिया जाएगा या आपसे ऐसा पूछ लिया जाएगा, साथ में मात्रक वगैरह भी पूछ लिया जाएगा, या फिर 1 नंबर का कोई परिभाषा पूछ लेगा और 3 नंबर का इसके साथ में प्रश्न पूछ लेगा। ठीक है, तो अगर ये टॉपिक एग्जाम में आपके पूछा जाता है तो कम से कम 3 या 4 नंबर का ये आने वाला है, इसके साथ में कोई छोटा प्रश्न आएगा जो तीव्रता से जुड़ा हुआ हो सकता है या फिर अपने लास्ट जो आघूर्ण पढ़ा था उसके बारे में भी हो सकता है। ठीक है, तो अपने प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर ज्ञात करनी हो, ये 2 टॉपिक है, एक तो अक्ष पर ज्ञात करते हैं और एक निरक्ष पर ज्ञात करते हैं, दोनों में से एक जो है बहुत बार पूछा गया, अगर आप पुराने पेपर देखोगे तो उसमें, तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करनी है तो यहाँ लिख देते हैं E वेक्टर प्लस Q। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है,
के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। सूत्र क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। देखिए अपने लिखते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर, किसकी स्क्वेयर, आर की स्क्वेयर। पर यहाँ क्या आर की स्क्वेयर लिखेंगे, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि आर का मतलब होता है, अपने पीछे जो आर पढ़ा था उसका मतलब था कि जो अपने आवेश है उससे परीक्षण आवेश तक की दूरी। पर आज अपने ये आवेश कहाँ रखा हुआ है, इस जगह रखा हुआ है, और जो अपने बिंदु है जिस पर अपने ज्ञात करना है वो कहाँ रखा है, पॉइंट पी पर रखा है। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो ज्ञात करेंगे। तो बिंदु पी पर ज्ञात करने के लिए आप देख सकते हो ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट पी है। अगर अपने को पी पर तीव्रता ज्ञात करनी है तो आपको बी से लेकर के पी तक की जो दूरी है उसको आपको पहले ज्ञात करना पड़ेगा। तो बी से पी तक की दूरी, ये देखिए ये पॉइंट ओ जो है इस द्विविध ध्रुव को दो भागों में बांट रहा है, यानी बिल्कुल मध्य स्थित है। डी बाई टू एक तरफ है और डी बाई टू इसके दूसरी तरफ है, बिल्कुल बीच में है, क्योंकि ये इसका क्या है, केंद्र। अब अगर अपने यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी की बात करें, इस दूरी की बात करें, तो आपके पास में ये दूरी तो है, ये दूरी कितनी है, ये देख सकते हो आप, ये दूरी आर है। पर इसमें से ये जो दूरी है डी बाई टू, ये अपने को क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। तो ये दूरी अपने पास में आर है और ये दूरी कितनी है, डी बाई टू है। अगर इस दूरी को आप लोग कम कर दो तो ये जो मान आएगा ये आएगा आर माइनस डी बाई टू की होल स्क्वेयर। कितना आएगा, आर माइनस डी बाई टू की होल स्क्वेयर। और साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी दिशा भी बतानी पड़ेगी कि इसकी दिशा जो है वो किस ओर है। तो एक आप दिशा देख सकते हो माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, किसकी दिशा होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। लास्ट क्लास के अंदर अपने एक टॉपिक की बात की थी, वो अपना टॉपिक क्या था, वो अपना टॉपिक था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और उसकी दिशा आपने जो ज्ञात की थी वो क्या थी, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कहाँ से कहाँ थी, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। तो ये माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, ये किसकी दिशा है, ये अपने पास में पी के बोल सकते हो आप, इसकी दिशा है। ठीक है, जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी दिशा है। पी के क्या है, यहाँ पर पी के विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में एकांक सदिश है। ठीक है, तो साथ में आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर पी केप लिख सकते हो, और दिशा इसकी बी से पी की ओर है, दिशा बी से पी की ओर है, बी से पी की ओर क्या है, इसकी दिशा है पी केप की। और इसकी अगर बात की जाए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, तो धनावेश से हमेशा बाहर की ओर होती है, तो धनावेश से बाहर की ओर होने का मतलब बी से पी की ओर किसकी दिशा है, ई वेक्टर की दिशा है, और ये दिशा किसकी है, पी केप की। दोनों की दिशा क्या है, एक समान है। अगली अपनी बात करते हैं, समीकरण नंबर लगा देता हूँ, अगली अपनी बात करते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर माइनस क्यू आवेश के कारण अपने को निकालनी है तो यहाँ अपने क्या लिखेंगे, यह लिखेंगे ई वेक्टर माइनस का क्यू, और साथ में क्या लिखेंगे, के क्यू, और साथ में अब आपको लिखनी पड़ेगी दूरी, वही फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर, और उस आर का मान आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। आर क्या होगा, जो अपने आवेश है और जो अपने परीक्षण वाला बिंदु है उन दोनों के मध्य दूरी। यहाँ अपने पास में आवेश ये और बिंदु अपना ये, तो इन दोनों के मध्य दूरी आपको बतानी है। तो ये देखो, ये टोटल दूरी आपको बतानी है, ये दूरी कितनी है, कितनी है, आर है, और ये दूरी अगर आपको ज्ञात करनी है तो साथ में ये दूरी भी इसमें काउंट हो रही है, जो कितनी है, डी बाई टू है। तो अब देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो आर प्लस डी बाई टू है, कितनी है, आर प्लस डी बाई टू है। देखो इलेक्ट्रोस्टेट जो शुरुआत के चैप्टर है, इनको अगर आप लोग रटने बैठोगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है कि फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर, के अपने पास में नियतांक है, क्यू अपने पास में आवेश है, और जो आर अपने भाग में लिख रहे हैं वो क्या है, अपने जिस बिंदु से आवेश, जिस जगह अपने आवेश रखा है और जिस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, उन दोनों के मध्य दूरी होती है। ठीक है, दिशा धनावेश से हमेशा बाहर की ओर और ऋणावेश से हमेशा अंदर की ओर। और कहाँ से लेकर के आते हैं दिशा, अपने जो अपना परीक्षण आवेश रखा हुआ है, जो अपना पॉइंट रखा हुआ है उससे, मतलब जिस पॉइंट से अपने ज्ञात कर रहे हैं। इसकी दिशा की बात करो, इसकी दिशा क्या आएगी, माइनस का पी केप आएगी। और अब देख सकते हो पी से ए की ओर, पी से ए की ओर। ठीक है, माइनस की बात कर लेते हैं अभी,
माइनस क्यों आया है, पी से ए की ओर, ये माइनस पी कैप क्यों आया है। मैंने आपको बताया था कि अपने विद्युत द्विध्रुवीय ध्रुवागुण की दिशा हमेशा माइनस क्यू से किस ओर होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है, ठीक है। माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर किसकी दिशा है, अपने पास में विद्युत द्विध्रुवीय ध्रुवागुण की दिशा है, जो दिशा कौन सी है, पी कैप है, यानी ये जो अपने पास में दिशा आ रही है ये कौन सी दिशा है, पी कैप की दिशा है। इस ओर अपने अगर जाएंगे तो वो किसकी दिशा होगी, पी कैप की दिशा होगी। तो अपने जब इसकी बात कर रहे थे प्लस क्यू की, तो इसके लिए तो आपने देखा था कि इस आवेश से दूसरी ओर थी, पॉइंट पी की ओर थी, और ये दिशा किसकी थी, पी कैप की दिशा थी, तो यहाँ पर क्या आया, प्लस आया। पर अब आप लोग देख सकते हो कि अपने ई वेक्टर की दिशा किस ओर है, इस पी कैप के विपरीत दिशा में है, तो यहाँ आपने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, परिणामी मान ज्ञात करना है। तो आपके पास में दो आवेश है, एक पॉइंट ए पर रखा हुआ है, एक बी पर रखा है, और दोनों आवेश की वजह से पॉइंट पी पर क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी ई वेक्टर इक्वल क्या लिखोगे, ई वेक्टर इक्वल लिखोगे एक तो ये, और एक क्या लिखोगे, माइनस का ये लिखोगे, ई वेक्टर इक्वल ई वेक्टर प्लस क्यू और प्लस ई वेक्टर माइनस क्यू। इसे आप लोग चाहो तो समीकरण नंबर तीन लगा सकते हो, ठीक है। आपके पास में तीन समीकरण आ गए, समीकरण एक, दो और तीन। आपको समीकरण एक और दो से मान रखना है कहां पर, समीकरण तीन में। तो मान रखते हैं, देखिए यहां रख देता हूं, इन्हें हटा देता हूं, ध्यान रखना, यहां से अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो बड़ा प्रश्न जरूर आएगा। तो ई वेक्टर जो है वो कितना आएगा, ई वेक्टर जो है वो आएगा, एक तो ये आएगा के क्यू और साथ में आर माइनस डी बाई टू इसकी होल स्क्वायर और साथ में पी के, ठीक है, ये इसकी दिशा कोई बता रहा है, आगे लिखा हुआ है हिंदी में जो लिखा हुआ है, और साथ में ये आएगा प्लस का के क्यू और आर प्लस डी बाई टू इसकी स्क्वायर और साथ में माइनस का पी के, ठीक है, ये आएगा। इतना समझ में आया। अब देखो, अब अपने ई वेक्टर इक्वल लिखे, ई वेक्टर इक्वल लिखे, तो अब अपने क्या करेंगे, ये लिखेंगे के क्यू कॉमन ले लिया है, यह हम चाहिएगा एक अपॉन आर माइनस डी बाई टू की होल स्क्वायर और प्लस का माइनस का लिख देते हैं, ये माइनस जो है अपने बाहर निकाल लेंगे, तो इस जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो माइनस का एक बटा आर प्लस डी बाई टू इसकी होल स्क्वायर और साथ में क्या आ जाएगा, पी कैप आएगा। अब ये प्लस का आएगा, देखना एक बार फिर से, अपने दोनों मान यहाँ रख दिए, इस माइनस को मैं यहाँ भी तो लिख सकता था, अगर यहाँ लिख देता तो यहाँ क्या लिखा जाता, माइनस लिखा जाता, फिर के क्यू कॉमन आ जाता और अपने पी कैप कॉमन आ जाता, तो अपने पास में ये टर्म बचती, ठीक है, यहाँ माइनस बच जाता और पी कैप किसका बन जाता, प्लस का बन जाता, ठीक है, यानी ई वेक्टर जो अपना क्या बनता, ये बनता के क्यू। अब देखो एलसीएम लेना पड़ेगा अपने को, तो एलसीएम अगर अपने लेते हैं तो क्या आएगा, ये आएगा आर की स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बटा चार की होल स्क्वायर, ठीक है। अगर आप ऐसा ना लिखना चाहो, एक लाइन बाद लिखो तो भी चलेगा, जैसे आर माइनस डी बाई टू, अगर इसी को एलसीएम ले लो आप लोग, जिससे कैलकुलेशन आपकी थोड़ी आसान हो जाएगी। इसको तो एलसीएम ले लिया, अब देखो ये यहाँ से कैंसिल होगा और सिर्फ क्या बचेगा, आर प्लस डी बाई टू की होल स्क्वायर, एक तो ये बचेगा, एक माइनस, अब की बार प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, आर माइनस डी बाई टू की होल स्क्वायर, ये बचेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको लिखना है ई वेक्टर इक्वल के क्यू और अपॉन में इसकी होल स्क्वायर खोल लो, ये बनेगा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर, यहाँ देखो अपने लिखते हैं टू इंटू आर इंटू डी बाई टू, ठीक है, टू से टू अपना क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, फिर बाहर क्या लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है, तो इसे लिखोगे आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बटा चार, और माइनस प्लस का और टू इंटू आर इंटू डी बाई टू, फिर से कैंसिल और साथ में पी के, साथ में क्या आएगा इसके, पी के पाएगा, शायद आपको दिख रहा हो, पी के पाएगा, और अपॉन में आप लोग क्या लिख सकते हो इसे, अब आप इसे ये लिख सकते हो आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन फोर, ठीक है, और इसकी होल स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन फोर और इसकी होल स्क्वायर। फॉर्मूले बता देता हूँ कौन कौन से काम में लिए, ये तो आपको पता होगा, ए माइनस बी
ए प्लस बी, जैसे आप इसे ये लिख सकते थे कि ये जो स्क्वायर है इसे ब्रैकेट से बाहर लिख देते, ठीक है। और आप लोग क्या लिखते ए माइनस बी ए प्लस बी, उसे अपने क्या लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर। जैसे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर अपने कर दिया, क्योंकि बाहर क्या लगी हुई है स्क्वायर लगी हुई है। यहाँ की अगर बात करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है। आगे की बात करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, पर ये उल्टे क्यों लिखे हुए हैं माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, क्योंकि बाहर क्या लिखा हुआ है माइनस लिखा हुआ है। आर के साथ में जो प्लस आया था उसे माइनस बना दिया, इसके साथ में जो प्लस आया था उसे माइनस बना दिया, और दोनों के गुणनफल के साथ में जो अपने दोनों के गुणनफल के साथ में जो अपने माइनस आया था उसे किसका बना दिया, प्लस का बना दिया। इतनी बात समझ में आई। अब देखो अपने बचा क्या क्या है अपने पास में, अपने पास में बचा है ई वेक्टर इक्वल के क्यू, एक तो बचा है ये तो कैंसिल हो गया आर स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ से बचा है आपके पास में आर डी और एक ये आर डी, आर डी और आर डी मिलकर के बन जाता है टू आर डी और साथ में पी के, और ये जो टर्म लिखी हुई है आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन फोर और इसकी होल स्क्वायर, ठीक है। और साथ में इसके पी के लिखा है, साथ में लिख देता हूँ, दूर लग रहा है ये तो, ये लिख दिया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि अपने द्विध्रुव ध्रुव की परिभाषा क्या होती है, दो समान परिमाण वी और विपरीत प्रकृति के आवेश अलग दूरी पर स्थित हो, वो अलग दूरी कितनी है, कितनी थी d थी, पर अपने ये जो दूरियाँ हैं कितनी है d बाई टू और d बाई टू, तो ये दूरियाँ तो अपने याद ही होगी काफ़ी छोटी होगी, और यहाँ देख सकते हो ये और ज़्यादा छोटी होगी क्योंकि अपने चार से क्या कर दिया, इसे भाग लगा दिया है, और इसलिए आप यहाँ क्या लिख सकते हो कि आर जो है वो d बाई टू की तुलना में क्या है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। इसलिए डी स्क्वेयर अपॉन फोर को आर स्क्वेयर की तुलना में, आर स्क्वेयर की तुलना में नगण्य मानने पर, आर स्क्वेयर की तुलना में नगण्य मानने पर, ठीक है। अपने जो दूरी लिखी हुई है डी स्क्वेयर अपॉन चार, इसे अपने आर स्क्वेयर की तुलना में क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे, जिससे क्या होगा, जिससे आपके पास में ये टर्म यहाँ से हट जाएगी, ठीक है। ये टर्म यहाँ से क्या हो जाएगी, हट जाएगी, इसे अपने नगण्य मान लेंगे, और यहाँ पर आर की पावर दो पहले से ही है, और दो ये आ जाएगी, कितनी हो जाएगी, आर की पावर चार हो जाएगी। तो ई वेक्टर इक्वल देखो क्या बनेगा, ई वेक्टर इक्वल बनेगा के क्यू, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है टू आर डी पी कैप, और नीचे पी की पावर इसकी आर की पावर कितनी चार, ये इससे निरस्त होगा और कितना बचेगा आर की पावर तीन बचेगी, ठीक है। यहाँ से आप लोग क्या लिख सकोगे, यहाँ से लिख सकोगे ई वेक्टर इक्वल, देखो टू को मैं पहले लिख दूँ तो ये क्या बनेगा टू के, क्या बना टू के, टू लिख दिया के लिख दिया, ये देखो एक तो क्यू एक डी, क्यू इंटू डी, लास्ट वीडियो देखना उसके अंदर अपने पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा मैंने आपको बताई थी, दोनों में से कोई एक आवेश और उसका आपको क्या लेना है परिमाण, उनके मध्य जो दूरी है जैसे डी लियो टू लियो उनको आपको क्या करना होगा मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ आवेश कितना है क्यू और मध्य दूरी कितनी है डी है, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करेंगे किसके इक्वल आएगा पी के इक्वल आएगा, तो ये क्यू इंटू डी इसकी जगह आप लोग क्या लिख सकते हो पी लिख सकते हो, और साथ में क्या है इसके पी के पे, और अपॉन में आर की पावर कितनी बची हुई है तीन बची हुई है, कितनी बची हुई है आर की पावर तीन बची हुई है, ठीक है आपको दिख रहा होगा ये। अब आप लोग एक बात और जानते हो, जस्ट ऊपर लिख देता हूँ सबसे, आप लोग एक बात और जानते हो, ये जानते हो कि अपने ये जो टर्म लिखी गई है ये टर्म आपको ये पता होगा कि अपने एकांक सदिश लिखते हैं तो वो क्या होता है सदिश बटे सदिश का परिमाण, सदिश बटे सदिश का परिमाण, यानी आप P और पी के को अगर मल्टीप्लाई करो तो वो किसके इक्वल आएगा P वेक्टर के इक्वल आएगा, यानी इसका अगर आप लोग सदिश रूप लिखो, क्या लिखो सदिश रूप लिखो, तो इसका सदिश रूप यहाँ से क्या लिख सकते हो आप लोग, ये लिखा जाएगा E वेक्टर इक्वल टू के P वेक्टर अपॉन आर क्यू, ये किस रूप में है सदिश रूप में है, और अगर आप लोग क्या लिखो इसका परिमाण लिखो परिमाण, तो E इक्वल क्या लिख सकते हो टू के पी अपॉन आर क्यूब लिख सकते हो, यहाँ से आपको पता लगा कि E जो है एक बटा आर की पावर तीन के क्या है
आर की पावर 3 के ई क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो ये अपने पास में टॉपिक था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना। और ये तीव्रता आपने कहाँ ज्ञात की है, ये अपने अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर तीव्रता ज्ञात की है। ठीक है, बराबर फिर से रिपीट कर देता हूँ, फिर अपने इसका डायग्राम बनाएंगे और इसका एक शॉर्ट तरीका भी देख लेंगे अपने साथ में। तो ये आपने क्या किया है, माइनस क्यू लिखा है और ये प्लस क्यू लिखा है, ये आपके पास में विद्युत द्विध्रुव बन गया जिसके मध्य दूरी कितनी है डी, आपकी मर्जी ये दूरी कितनी भी ले सकते हो। और आपने क्या किया, एक पॉइंट पी लिया जो ओ से कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर है। पॉइंट पी पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर और प्लस की वजह से ये थी और माइनस की वजह से अंदर की ओर थी। ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की, फॉर्मूला लिखा के क्यू अपॉन आर माइनस डी बाई टू की होल स्क्वायर और साथ में क्या लिखा आपने, पी कैप लिखा, दिशा बी से पी की ओर। ये देखो माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण ई वेक्टर माइनस क्यू के क्यू अपॉन आर प्लस डी बाई टू की होल स्क्वायर। ठीक है, और साथ में क्या आएगा इसके, माइनस का पी कैप आएगा। यहाँ तक अपने लिख दिया और इसकी दिशा पी से ए की ओर है। ठीक, अब देखो दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ा तो अपने पास में ये टर्म आई, यहाँ से ये टर्म आई। इस टर्म के अंदर आपने क्या किया, ये जो के क्यू था इसे आपने बार की ओर लिख दिया और ये पी कैप जो है इसे आपने बार की ओर लिख दिया। इसे जो आपने बार लिखा तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस लिखना पड़ेगा, क्योंकि बार आपने जो टर्म लिखी है वो सिर्फ प्लस की लिखी है, तो माइनस को आपने ये छोड़ दिया। अब ये के क्यू आ गया, ये पी कैप आ गया, मैथमेटिक डेरिवेशन किया इसका और अपने इस जगह पहुँचे। जैसे इस जगह पहुँचे अपने क्या देखा कि आर जो है वो डी बाई टू की तुलना में काफ़ी बड़ी दूरी है। अगर ये बड़ी दूरी है तो डी स्क्वेयर अपॉन फोर को अपने आर स्क्वेयर की तुलना में नगण्य मान लेंगे। अगर नगण्य मान लेंगे तो इस टर्म को अपने छोड़ देंगे, यहाँ आएगा आर की पावर 4, एक पावर पहले से ये कट करके कितनी बचेगी, 3 बचेगी। और क्यू इंटू डी इसे आप लोग क्या लिख सकते हो, पी लिख सकते हो। तो यहाँ मैंने इसे क्या लिख दिया, पी लिख दिया, 2 को पहले लिख दिया, ये किया गया और क्यू इंटू डी को अपने पी लिखा हुआ है, साथ में पी कैप है और अपॉन में आर की पावर 3 है। ये आप लोग जानते हो एकांक सदिश बराबर सदिश बटे सदिश का परिमाण। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया किसके इक्वल, पी वेक्टर के इक्वल, और आपने क्या लिख दिया, ई वेक्टर इक्वल 2 के पी वेक्टर अपॉन आर की पावर 3। और यहाँ आपने परिमाण के रूप में लिखा ई इक्वल 2 के पी अपॉन आर क्यूब। ई और आर के बीच में अगर संबंध देखें तो किस प्रकार का है, व्युत्क्रमानुपाती का है। ठीक है, आगे देखो, अपने अब तक जो पढ़ा है इसके अंदर अपने पढ़ा है ई वेक्टर इक्वल टू के पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, यानी परिमाण के रूप में ई इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यूब, ये अपने पढ़ा है। ये तो परिमाण है और ये इसका सदिश रूप है। और ई और आर में अगर संबंध देखा जाए तो किस प्रकार का है, व्युत्क्रमानुपाती का है। अगर आप लोगों को बोला जाए कि ग्राफ खींचिए किसके बीच में, ई के और आर के, और ग्राफ आपको ज़रूर बनाना है। थोड़ी देर पहले जब टॉपिक शुरू किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाता है वो 3+1 का या 1+2+1 का, तो ग्राफ के भी यहाँ पर नंबर जो है वो काउंट होंगे। व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ आएगा ई और आर के बीच में अगर आप लोग ग्राफ खींचते हो तो, व्युत्क्रमानुपाती का है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना कि अगर आप लोग ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ जो है ई और 1/r की पावर 3 के साथ में खींचते, ई और 1/r की पावर 3 के साथ में खींचते, तो यहाँ फिर ये ग्राफ किसका आ जाता, समानुपाती का आ जाता। क्योंकि अगर पूरी टर्म की बात की जाए 1/r की, तो इसके समानुपाती है और r इसके क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये अपने ग्राफ किसके बीच में खींचा है, ई के और आर के बीच में खींचा है, और किस प्रकार का ग्राफ अपने को प्राप्त हुआ है, अपने को व्युत्क्रमानुपाती जो है इसका ग्राफ प्राप्त हुआ है। ठीक है, पावर 3 है तो ढाल जो है थोड़ी ज़्यादा है इसकी, इस प्रकार से इसका ग्राफ प्राप्त होगा। ये एक्स एक्स है और ये वाई एक्स है। अगर सीधा सीधा टॉपिक को याद रखने की बात की जाए, भी अगर बिना सदिश रूप में अपने इसे याद करते तो क्या कर सकते थे, अब इसे सीधा सोल्व कर सकते थे बिना ये पी कैप वगैरह लिखे। ठीक है, और सीधा लिखते फिर पी कैप वगैरह लिखने की जरूरत नहीं पड़ती और आपके पास में फिर ये रिजल्ट आता। इसे सोल्व करने के बाद में आपके पास में ये रिजल्ट आता। यहाँ से आप लोगों को क्या करना पड़ता, इसका सदिश रूप बनाना पड़ता। सदिश रूप बनाते इसमें आप लोग ई को देखते और किसको देखते, पी को देखते। अगर ई और पी को देखा जाता तो आपको पता होना चाहिए कि एक तो अपने पास में ये माइनस वाला है, एक प्लस वाला है। टर्म अपने पास में दो आई थी, एक तो ये टर्म आई थी ये, और एक टर्म ये आई थी।
तो फिर आपको देखना पड़ता कि दोनों में से किसका परिमाण ज़्यादा है, दोनों में से इसका परिमाण ज़्यादा होगा प्लस क्यू वाले का। क्यों? क्योंकि यहाँ छोटी संख्या से भाग दे रहे हैं और यहाँ अपने बड़ी संख्या से भाग दे रहे थे। जो समीकरण अपने इस जगह लिखी हुई थी उसकी बात कर रहा हूँ मैं, आपने जो लिखा था ई वेक्टर प्लस क्यू के क्यू अपॉन आर माइनस डी बाई टू की होल स्क्वायर, फिर आपने नई लाइन के अंदर समीकरण दो लिखा था ई वेक्टर और माइनस क्यू वाला, और आपने लिखा के क्यू अपॉन आर प्लस डी बाई टू की होल स्क्वायर, और साथ में आपने माइनस का पी कैप लिखा था, उनकी बात कर रहा हूँ कुछ ये जो समीकरण है जिनको जोड़ा था इनको जोड़ने से पहले। तो ये वाली जो टर्म थी ये बड़ी होती और ये छोटी होती, तो बड़ी में से छोटी को अपने क्या कर देते, घटा देते, और फिर जो परिणामी बचता वो बड़ी जो टर्म है उसकी वजह से बचता। बड़ी टर्म अपने पास में कौन सी थी, ई वेक्टर प्लस क्यू वाली टर्म थी। अगर ये टर्म बड़ी थी तो परिणामी इस ओर आएगा, और इस ओर ही किसकी दिशा है, पी वेक्टर की दिशा है। तो पी वेक्टर की दिशा और ई वेक्टर की दिशा दोनों क्या होती, एक समान होती, और दोनों की दिशा अगर समान होती तो फिर अपने सीधा इसके क्या कर देते, वेक्टर लगाते थे। तो ये अपना टॉपिक था कि विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा अगर आपसे पूछा जाए कि अक्ष निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर अगर तीव्रता आपको ज्ञात करनी हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। शायद पूरा कंप्लीट इस वीडियो में ना हो पाए ये टॉपिक भी, अपने इसे आप पढ़ लेंगे और बचाओ अपने इसे कल पढ़ देंगे। तो अब अपने निरक्ष पर क्या करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। सिर्फ डायग्राम समझा रहा हूँ आज आपको। दूसरा इसके अंदर जो आता है वो आता है द्विध्रुव के निरक्ष पर। देखो अक्ष पर तो निकाल दो, ये आप लोग निरक्ष वाला थोड़ा ढंग से समझ लेना, इसलिए डायग्राम आज ही बता रहा हूँ इसका। इस प्रकार से आपने क्या किया, एक द्विध्रुव लिया, एक तरफ माइनस क्यू है और दूसरी तरफ इसके क्या रखा हुआ है, प्लस क्यू रखा हुआ है। इसके बाद में ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ एक टॉपिक बचता है। ये ओ है, इनके मध्य दूरी कितनी है, स्मॉल डी है, ठीक है। स्मॉल डी अपने क्या कर ली, दूरी ले ली माइनस क्यू और प्लस क्यू। अब इसके बीच में निरक्ष पर आपका पॉइंट पी स्थित है, ये पॉइंट पी है जो कहाँ स्थित है, ये इसकी अक्ष है और ये इसकी निरक्ष है। निरक्ष पर पॉइंट पी आपका स्थित है। निरक्ष पर स्थित बिंदु पर आपको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखो ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको जो मैंने बताया है उसी को ध्यान में रखना है। आपको मैंने बताया था कि प्लस क्यू आवेश की वजह से आपको किसी भी बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है। तो दिशा किस प्रकार निकालते हैं, अपने दिशा निकालने का एक ही तरीका रहता है, जैसे ये प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, ठीक है। अगर आपका पॉइंट पी इस तरफ है तो दिशा इस ओर आ जाएगी, अगर ये पॉइंट पी इसके ऊपर है तो इसकी दिशा इस ओर आ जाएगी, ठीक है। अगर ये इस प्रकार से है प्लस क्यू से पॉइंट पी, तो इसकी दिशा इस ओर आ जाएगी। अगर ये नीचे की ओर है तो पॉइंट पी इस ओर है तो इसकी दिशा फिर नीचे की ओर आ जाएगी। जहाँ भी हो आपको प्लस क्यू से तो दिशा को बाहर निकाल देना है, पहला काम तो आपका ये रहेगा। बाहर निकाल करके किस ओर लेकर के जाना है, जिस ओर आपका पॉइंट पी रखा हुआ है, जहाँ आपको तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। न्यूमेरिकल में भी आपकी ये बात काम में आएगी। तो आपको प्लस क्यू से दिशा को बाहर निकाल देना है, कहाँ निकाल देना है, जिस ओर आपका पॉइंट पी रखा हुआ है, ठीक है। तो इस बात को अपने काम में लेंगे। तो आपने क्या किया, प्लस क्यू आवेश की वजह से आपको देखना है, तो इसकी जो दिशा आएगी वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगी, ठीक। ये किसकी दिशा है, ई वेक्टर प्लस क्यू आवेश की है। बात समझ में आई, ये अपना पॉइंट कौन सा है, पी है, तो प्लस क्यू आवेश की वजह से ये दिशा किस ओर आएगी, इसकी बाहर की ओर आ जाएगी। अब अपने बात कर लेते हैं माइनस क्यू आवेश की ओर। तो मैंने आपको बताया था कि माइनस क्यू आवेश की वजह से अपने जब भी दिशा निकालते हैं तो वो किस ओर आती है, वो दिशा हमेशा आती है अंदर की ओर। माइनस क्यू आवेश की दिशा हमेशा कहाँ आती है, अंदर की ओर आती है। अंदर की ओर किस ओर आती है, जिस ओर उस ओर से शुरू करते हैं जिस ओर अपना परीक्षण आवेश या जिस पॉइंट से अपने तीव्रता ज्ञात करनी है वो पॉइंट रखा हुआ है। पॉइंट पी से ज्ञात करनी है तो पॉइंट पी से अंदर की ओर ले आओ, और कहाँ ले आओ, माइनस क्यू आवेश की ओर ले आओ। तो ये अपने किसकी दिशा आएगी, ई माइनस क्यू की आगे। ये दूरी मान लेते हैं आर दूरी है, और ये जो दूरी है वो एल दूरी है। तो ये भी दूरी कितनी आएगी, एल आई, क्योंकि ये दोनों दूरियाँ तो क्या है, बिल्कुल समान है। ये डी बाई टू हो गया, और ये भी कितना हो गया, डी बाई टू हो गया, ठीक है। ये कोण थीटा है, तो द्विध्रुव है ये, तो एक अलग दूरियों पर स्थित है, तो ये कोण भी कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है। क्योंकि पॉइंट पी जो है दोनों पॉइंटों से एक समान दूरी पर स्थित है, और ये ई वेक्टर माइनस क्यू है, ये ई वेक्टर प्लस क्यू है। जब आप लोग इनका परिमाण ज्ञात करोगे, नेक्स्ट वीडियो में अपने परिमाण ज्ञात करेंगे, तो वो परिमाण क्या है, बिल्कुल एक समान आएगा। तो परिणामी इसके बीच से होकर के गुजरेगा, यानी परिणामी दोनों के साथ में क्या करेगा, थीटा कोण बनाता हुआ इस ओर जाएगा। इस ओर क्या आएगा, इनका
परिणामी है। दूसरा, अगर आप लोग यहाँ से देखो तो आपको एक बात और पता चलती है कि अगर आप लोग पी की दिशा देखो, पी की जैसे माइनस पी प्लस पी अपने देखा था, उसकी अगर दिशा देखो तो पी वेक्टर की दिशा माइनस